बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं आदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो हैं राजस्थान के एक सफल किसान। जी हाँ, बहुत ही कम जोत में बढ़िया पैदावार ले रहे हैं। बता दें आपको कि ये अपनी खेती बंद खेत में करते हैं, मतलब कि आज के जो हमारे सफल किसान हैं वो संरक्षित खेती कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में इन्होंने अपने हाथ आजमाए, लेकिन इन्हें सफलता अपने ही खेत में मिली। तो ये अपने खेत में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, कैसे सफलतापूर्वक ये संरक्षित खेती कर रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए रुख करते हैं भरतपुर के गांव खंदवई का, जहां पर रहते हैं आज के हमारे सफल किसान। हम आज के सफर की शुरुआत करें उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि संरक्षित खेती आखिर है क्या। राजस्थान में तापमान और मौसम की विषमताओं को देखते हुए संरक्षित खेती अब आम हो चली है। हो भी क्यों ना, एक बार के इन्वेस्ट पर किसान को लंबे समय तक मुनाफा मिलता रहता है। पॉलीहाउस में होने वाली सब्जियों का दाम खुले खेत की तुलना में ज्यादा मिलता है। भारत में अब संरक्षित खेती नई नहीं है, बड़ी तेजी से किसानों ने इस तकनीक को अपनाया है। हमारे देश में ये तकनीक करीब 3 दशक पुरानी है, लेकिन विकसित देशों जैसे जापान, रूस, ब्रिटेन, चीन, हॉलैंड में लगभग 2 सदी पुरानी है। वहीं इजराइल एक ऐसा देश है जहां किसानों ने फल, फूल और सब्जियों को कम पानी वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगाकर इस तकनीक से बढ़िया उत्पादन लिया है, जिससे प्रभावित होकर राजस्थान के किसान तेजी से संरक्षित खेती का रुख कर रहे हैं। इसीलिए राजस्थान को मिनी इजराइल भी कहा जाने लगा है। ये बदलते दौर की कृषि प्रणाली है कि किसान अब बाह्य कारकों जैसे बारिश, बढ़ता तापमान, कीटों का प्रकोप आदि से भी फसलों को सुरक्षा देने में सक्षम हो गए हैं। इसमें बेमौसम की सब्जियां, फूलों की खेती, विदेशी सब्जियां और फलों का उत्पादन से लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसान पॉली हाउस में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। वहीं फसलों में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे पाला, कोहरा, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की खेती में खर्च होने वाली शुरुआती पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए सरकार ने अनुदान भी तय कर रखा है। संरक्षित खेती के लिए जहां केंद्र सरकार 50% तक अनुदान देती है, वहीं राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर सहायता कर रही है, जिसका लाभ लेकर आसानी से संरक्षित खेती की जा सकती है। संरक्षित खेती के अंतर्गत पौधों को ऐसा वातावरण दिया जाता है जिसमें पौधे आसानी से बढ़ सके और जीवित रह सके। आखिर आप जान ही गए कि संरक्षित खेती है क्या और ये क्यों इतनी कारगर है। आइए अब हम सीधा रुख करते हैं विजय जी के खेत का। PGDCA करने के बाद विजय ने अच्छी नौकरी का सपना देखा। उनको लगा कि उनकी अच्छी नौकरी घर के हालात और उनकी तकदीर दोनों बदल सकती है। इसी आस में विजय ने दिल्ली की राह पकड़ी। छोटी मोटी परेशानियों को पार कर विजय ने दिल्ली में नौकरी पा ली। 6 साल तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ऑफिस की तरफ से मिलने वाला प्रेशर विजय को रास नहीं आता था। लिहाजा विजय ने नौकरी और दिल्ली दोनों को छोड़ दिया और अपने गांव वापस आ गए। लिहाजा विजय ने अपनी कंप्यूटर सेंटर की दुकान खोल ली, लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं मिली।
मित्र के कहने पर बैंक की नौकरी की, लेकिन फिर वही प्रेशर। इन सब के बीच विजय ये जान चुके थे कि खेती ही एक ऐसा मात्र जरिया है जिसमें किसी का कोई दबाव नहीं, क्योंकि एक किसान खुद ही राजा होता है। इस दौरान विजय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जो खेती से जुड़ा था। बस यहीं से विजय ने सब छोड़कर खेत की तरफ कदम बढ़ाए। मैं एक छोटे से किसान परिवार से हूं, और जैसे कि सभी किसानों के बेटे करते हैं छोटी मोटी पढ़ाई करके कहीं रोजगार देखना, इस तरह हमने भी किया था। तो सबसे पहले हमने दिल्ली में जॉब किया, दिल्ली में करीब 6 साल जॉब किया। वहाँ कुछ सही सिस्टम नहीं बैठा, मतलब सैलरी उस टाइम पे कुछ कम थी और कुछ महंगाई के हिसाब से कुछ बचत नहीं हो रही थी कुल मिला के। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपने गांव में ही कुछ करें, किराया भाड़ा भी नहीं देना होता है मकान वगैरह का, और वहाँ दिल्ली में तो सब कुछ महंगा है और सब कुछ खरीद के ही अपना गुजारा करना पड़ता है। गाँव में तो किसान अपने खेतों में कुछ उगा लेता है, उस हिसाब से गुजारा हो जाता है। तो हमने सोचा अपने गांव में या लोकल शहर में कुछ करें, उसी विचार से फिर हम 5-6 साल दिल्ली में जॉब करके अपने गांव आए। गांव में आने के बाद हमने अपने लोकल मार्केट नदवई में एक कंप्यूटर की दुकान खोली, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई में कंप्यूटर में PGDCA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो कंप्यूटर की शॉप में काम करते करते एक दिन विचार आया, किसी मित्र ने बताया कि आप बैंक का काम कर लीजिए। तो हमने फिर PNB बैंक में BCA का काम स्टार्ट किया। बिजनेस करस्पोंडेंस एजेंट होते हैं, वो 25,000 तक की लेन देन करने का काम होता है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा काम चला, 4-5 साल काम किए। उसके बाद हमने उसमें बैंक से कुछ प्रेशर आने लगे कि ये बीमा करो वो बीमा करो, तो उसमें भी कुछ दबाव था। दबाव में हमारा मन नहीं लगता था कि काम दबाव में किया जाए, इसलिए फिर हमने सोचा कि कुछ और अपने खेतों में करने की सोचें। एक दिन ऐसे ही कंप्यूटर पर काम करते करते एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि खेती से बने करोड़पति। खेती से बने करोड़पति वाला आर्टिकल दिमाग में एकदम से ऐसे लगा कि खेती से कोई कैसे करोड़पति बन सकता है। करोड़पति कई बिजनेसों में या इस तरह से हमने सुना था, लेकिन खेती से करोड़पति एक पहली बार पढ़ा था। तो सोचा कि खेती तो हमारे पास भी है, तो हम खेती से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो उसमें आर्टिकल में आया था, जयपुर के किसान खेमाराम चौधरी जी हैं, उनका आया हुआ था। तो मन में विचार आया क्यों ना उनसे मिला जाए। हम पहली बार वहाँ गए, उनसे मिले, बड़े अच्छे रेस्पॉन्स दिया बिना जानकारी के भी, बहुत बढ़िया तरीके से उनसे बात, उन्होंने हमसे बात की, समझाया और खेती के बारे में कैसे उन्होंने अपने जीवन को बदला, कैसे अपना सम्मान पैसा कमाया, वो सारी उन्होंने हमें बातें बताई। फिर उन्होंने बताया कि आप अपने जिला उद्यान में या जिला कृषि कार्यालय में आप संपर्क कीजिए। तो वहाँ से आने के बाद हमने अपने जिला कार्यालय कृषि विभाग में हमने जानकारी की। वहाँ पीढ़ी आत्मा में श्री योगेश कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि इसमें कितनी सब्सिडी है, मतलब इसमें क्या फ़ायदा है, किस तरह से आपको फाइल लगानी है, वो सारी प्रक्रिया श्री योगेश कुमार शर्मा जी ने हमें बताई। उसके बाद हमने उद्यान विभाग के माध्यम से फाइल अपनी ऑनलाइन करवाई और उद्यान विभाग ने हमें 70% अनुदान दिया, और उस अनुदान से 3,000 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस की स्थापना हमारे यहाँ हुई। बता दें आपको, वर्ष 2019 में विजय जी ने ग्रीन हाउस बनाया। राजस्थान में पानी की समस्या तो किसी से छिपी नहीं है, हालांकि इसका हल निकालना भी बहुत जरूरी था। ऐसे में विजय जी ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किसकी मदद मांगी, क्या कदम उठाए, आइए उन्हीं से जानते हैं। सन 2019 में ग्रीन हाउस की स्थापना करने के बाद हमें सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। कोई भी फसल किसान लेता है तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। पानी जब हमने लैब टेस्ट कराया तो पानी का जो EC था वो थोड़ा हाई जा रहा था खीरे की फसल के हिसाब से।
तो फिर हमें मार्गदर्शन कृषि विभाग से मिला कि आप क्यों ना फार्म पॉइंट की स्थापना करवा लें। फार्म पॉइंट पे भी सरकार किसानों को सहायता देती है, अनुदान देती है, तो कृषि विभाग के अनुदान पर ही हमने फार्म पॉइंट की भी स्थापना करवाई दूसरे साल में, और उसमें हमें कृषि विभाग से 90,000 रुपये का अनुदान मिला। तो हमारी पानी की समस्या भी ख़त्म हो गई, और फिर हमने ग्रीन हाउस का जो पानी बरसात का होता है उनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। एक ग्रीन हाउस के ऊपर जो पानी बरसात का बरसता है उसको हमने अपने फार्म पॉइंट में स्टोर किया, और उसी पानी से हमने खीरे की फसल ली। और अब हम इस खीरे की फसल लेने के लिए सबसे पहले इसमें गोबर खाद डालते हैं, गोबर खाद के बाद इसकी अच्छी तरह जुताई करते हैं, सोलराइजेशन करते हैं। सोलराइजेशन करने के बाद में फिर हम बेड वगैरह बनवा कर खीरे लगाने के लिए तैयार करते हैं। बेड जब बन जाते हैं तो हर बेड पर 2-2 फीट की दूरी पर एक एक बीज खीरे का लगाया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस में हम सेल्फ पॉलिनेटेड यानी कि स्वयं परागित किस्म का ही बीज लगाते हैं, और ये ग्रीन हाउस में सीडलेस खीरा लगता है जिसमें बीज नहीं बनता, और ये बहुत अच्छी वैरायटी होती है। एक पौधे से लगभग हमें 7 किलो के आसपास उत्पादन मिल जाता है, और 3,000 वर्ग मीटर में 6,500 पौधे लगते हैं। इस प्रकार से मार्केट के रेट के हिसाब से इसमें आमदनी भी ठीक है, और जो खेती से बने करोड़पति वाला जो हमने सुना था वो हमें एकदम सही साबित हुआ कि वास्तव में इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा है। पहले हमें कुछ भी नहीं आता था, कृषि विभाग के सहयोग से ही श्री हरेंद्र जी हैं वहाँ पे कृषि विभाग में, उन्होंने हमें टेक्निकल ट्रेनिंग दी, और उद्यान विभाग के सहायक निदेशक श्री जनकराज मीणा जी का भी काफ़ी सहयोग रहा। और जो भी कृषि विभाग या उद्यान विभाग से हमें जितनी सहायताएं मिल सकती थी वो सभी विभाग ने हमें सभी सहायताएं दी, और समय समय पर हमारे यहाँ विजिट भी की, फसल को भी देखा, और फसल अच्छी हमारे यहाँ पे देख करके उन्होंने हमारा प्रचार प्रसार भी किया और जिला स्तर पर पुरस्कृत भी करवाया। श्री योगेश कुमार शर्मा जी हैं अभी वर्तमान में संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग हैं, उन्होंने हमें 25,000 रुपये का जिला स्तरीय पुरस्कार दिलवाया है। और इस तरह से अगर कोई भी किसान संरक्षित खेती करना चाहता है तो इसमें ज़रूर करे, और काफ़ी अच्छा मुनाफा है। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि विजय जी अपने पॉलीहाउस में लगातार कौन सी फसलों का उत्पादन ले रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और विजय जी के पॉली हाउस का एक बार फिर से रुख करते हैं। करीब 3,000 वर्ग मीटर में बने पॉली हाउस में विजय जी पिछले 4 से 5 साल से खीरे की फसल ले रहे हैं। विशेष देखभाल और जैविक खेती के कारण उनकी उपज की क्वालिटी बढ़िया रहती है, जिसका बाजार में समय से सही दाम मिल जाता है। हालांकि वो मानते हैं पॉली हाउस में खेती बाहरी वातावरण से तो बचा लेती है, लेकिन अंदर भी कई बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर एक बार बीमारी फैल जाए तो नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बाहर की खेती में और अंदर की खेती में काफी अंतर होता है। अगर कोई किसान बिना ट्रेनिंग के अगर इसमें आ जाएगा तो उसको यही नहीं पता होता कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां आनी हैं। अगर कोई जड़ गलन की बीमारी आ गई या कोई कीड़ा इसमें लग गया फसल में, तो इसमें इतनी तेज़ी से बीमारियां फैलती हैं कि फसल को बचाने का मौका तक नहीं मिलता। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी नया किसान इसमें आना चाहे तो ट्रेनिंग लेके ही आए, हमारा तो यही कहना है।
आज के हमारे सफल किसान विजय जी अपनी इस कामयाबी का श्रेय उद्यानिकी विभाग भरतपुर को देते हैं, जिसने समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया और उनका साथ निभाया है। भरतपुर का उद्यानिकी विभाग राजस्थान के किसानों की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ के विशेषज्ञ किसानों को समय समय पर खेती और तकनीकी से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण दोनों देते हैं, जिससे किसान कम जोत में भी अच्छा मुनाफा कमा सके। किसान विजय जी के लिए पॉली हाउस शुरू करने में विभाग ने खासी भूमिका निभाई है। विजय जी को शुरुआत में ही 70% की सब्सिडी दी गई, जिससे उन्होंने अपना पहला पॉली हाउस खोला और यहाँ से हुई इनकम की बदौलत विजय के हौसले बढ़े, जिससे उन्होंने दो और पॉली हाउस शुरू किए। आम धारणा जो बनी हुई है कि खेती घाटे का सौदा है, इस अवधारणा को दूर किया है हमारे हरीशचंद जी ने। 2000 वर्ग मीटर में इन्होंने ग्रीन हाउस की स्थापना की है। इस ग्रीन हाउस को लगभग 2.5 साल हो चुका है और इसमें ये लगातार खीरे की फसल ले रहे हैं। इससे पहले इनके परिवार में एक ग्रीन हाउस और लगा हुआ है और ये ग्रीन हाउस बनने के बाद 2 ग्रीन हाउस और लग चुके हैं यहाँ पे और कई फाइलें लंबित हैं ग्रीन हाउस लगाने के लिए। ये लघु सीमांत किसान हैं, बहुत कम जमीन है इनके पास में, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जो इन्होंने ग्रीन हाउस लगाया है, इस ग्रीन हाउस को लगाने के बाद जो सरकार की हमारी योजना है संरक्षित खेती प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन, उसका जो प्रचार प्रसार है वो वास्तव में इन्होंने हरीशचंद जी ने किया है। राज्य सरकार के द्वारा लघु सीमांत किसान होने के नाते इनको 70% अनुदान दिया गया है और ये निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो ग्रीन हाउस इन्होंने बनाया है, ये किसानों को जागरूकता के लिए एक उदाहरण है। हमने यहाँ पे विभाग के माध्यम से ट्रेनिंगें भी करवाई हैं और आगे भी ट्रेनिंग करवाएंगे। ये प्रचार प्रसार करने के लिए, ये लोगों को बताने के लिए कि वास्तव में ही खेती घाटे का सौदा नहीं है, ये हम कह ही नहीं रहे हैं, ये हम आपको फील्ड में आपके किसानों के बीच में जाके बता रहे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो मैं किसानों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लें, विशेष रूप से संरक्षित खेती, क्योंकि ये हाईटेक स्कीम है और अब जो बदलता परिवेश है उसके तहत हमको आवश्यकता है कि हम इस हाईटेक खेती को अपनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ज़मीनों की जोत या ज़मीनों का आकार कम होता जा रहा है, तो जैसे जैसे ज़मीनों का आकार कम होता जा रहा है पैदावार सामान्य रूप से घटती जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम संरक्षित खेती को अपनाएं और इसमें हाईटेक क्रॉप जो है लें। यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले प्रशिक्षण के क्या मायने होते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में आज के हमारे सफल किसान से जानते हैं। हमारी सरकार खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों की आय में इजाफा करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। किसान योजनाओं का लाभ लेकर अपने काम को आसान बना सकते हैं, लेकिन अगर खेती में कुछ नया करना हो या आधुनिक खेती अपनानी हो या फिर नए कृषि यंत्रों का संचालन सीखना हो तो उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाती है। यहाँ किसान प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन, ड्रोन संचालन, मशरूम की खेती जैसी कई विधाओं का प्रशिक्षण ले सकते हैं।
इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र या उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया जा सकता है। शुरुआती परेशानियों के बीच विजय ने भी उद्यानिकी विभाग का साथ लिया, जो अब तक जारी है। हमारे घर वाले हमें साथ नहीं देते तो शायद ये काम आगे नहीं होता। शुरुआत में कुछ समस्याएं आती हैं नए किसानों के लिए, जैसे हमें भी आई। नए किसान के लिए समस्या पग पग पर आती है, ये समझिए। हमें तो खेती का कुछ भी जानकारी नहीं थी, किसान परिवार से थे, इसलिए इसमें भाइयों की सहायता से, माता पिता की सहायता से हम इसमें सफल हुए। और सफल किसानों के मार्गदर्शन में, कृषि विभाग, उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में हमने कार्य किया तो हम इसमें आगे बढ़े, सफल हुए हैं। कोई भी किसान है, अपना स्वयं का रोज़गार करे और नई तकनीक से खेती करे तो इसमें बिल्कुल भी घाटा नहीं है। तकनीक को ज़रूर अपनाना चाहिए। सरकार इसमें बहुत सारे अनुदान दे रही है और युवाओं को भी आह्वान कर रही है कि युवाएं भी खेती में आएं, जैसे मछली पालन है, पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, मधुमक्खी पालन है, संरक्षित खेती है। ये सारी चीज़ें, इन पर किसान के लिए बहुत सारी छूटें सरकार दे रही है, सरकार आह्वान कर रही है। कई उतार चढ़ावों को पार करने के बाद सीमांत किसान से सफल किसान बने हमारे आज के सफल किसान विजय जी, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए उन्हीं से जानें। नए किसान इसमें आए तो पूरी जानकारी के साथ ही इसमें आए, क्योंकि इसमें मार्केट का भी थोड़ा रोल होता है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से ही हमें फसलें उगानी पड़ती हैं। मान के चलिए आपके नज़दीकी कोई मार्केट शिमला मिर्च का नहीं है और आपने शिमला मिर्च का उत्पादन कर लिया, शिमला मिर्च आपने पैदा तो बहुत सारी कर ली लेकिन उसको आप बेचें कहाँ? अगर बड़े बाज़ार में लेके जाते हैं तो उसकी दूरी ही बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए बाज़ार को देख कर ही इसमें हमें कोई भी फसल लगानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर लोकल बाज़ार में खीरा या टमाटर बहुत आसानी से बिक जाता है और अच्छे दाम पर बिक जाता है। अगर इरादे बुलंद हो तो किसी भी तरह की बाधा को दूर किया जा सकता है और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है, और ये सिद्ध कर दिखाया है आज के हमारे सफल किसान ने। उम्मीद करते हैं कि उनकी इस कहानी को जानकर आप भी इससे प्रेरित होंगे और अपनी बाधाओं को दूर करके सफल जरूर बनेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कामयाबी की दास्तान आपको जरूर लाभ पहुँचाएगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना है तो रुख कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का। और इसके साथ ही अगर ऐसी ही कोई दास्तान आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।